PM Enter student. Today we are going to discuss business data analytics question paper of December 2023. And as you know, this topic gets clubbed with financial management और exam में paper का weightage 100 marks का होता है. तो देखिए, दो ही type के सवाल पूछे जाते हैं. पहला multiple choice questions, दूसरा descriptive questions. But जब मैं specifically business data analytics part of December 2023 का बात कर रहा हूँ, तो multiple choice question में क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 इस टॉपिक से पूछा गया था और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 भी 8 एंड 8 भी इस टॉपिक से टेस्ट किया गया था और सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे. अगर आप पढ़कर गए होंगे ना तो तुरंत बन जाएंगे. तो आइए डिस्कस करें. सबसे पहला सवाल, वो कौन सा स्केल है जहां पे आर्बिट्री 0 पॉइंट यूज किया जाता है. तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि कुल मिलाकर चार टाइप्स ऑफ स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. इसमें से इंटरवल स्केल में ही ट्रू जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है बल्कि आर्बिट्री जीरो यूज किया जाता है. तो करेक्ट आंसर है इंटरवल स्केल. आपको ऑप्शन डी मार्क करके आना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चार्ट रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को और एक्टिविटी चेंजेस अक्रॉस टाइम. तो ये टाइम देखते ही हमें गैंट चार्ट याद आ जाना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज बी. देखिए कि गैंट चार्ट रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट टाइमलाइन और एक्टिविटी चेंजेस अक्रॉस टाइम. तो दूसरा सवाल भी खत्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वो कौन सा आर्किटेक्चर है जो एनेबल्स करता है बिजनेसेस को ताकि वो सेंसिटिव डेटा को स्टोर कर सके ऑन प्रेमाइसेस. तो सेंसिटिव डेटा मतलब प्राइवेट क्लाउड. तो क्या हम ऑप्शन बी मार्क करके आ जाए क्या? सॉरी, ऑप्शन ए मार्क करके आ जाए. अरे पूरा सवाल तो रीड कर लो कि वो कौन सा आर्किटेक्चर है जो एनेबल्स करता है बिजनेसेस को ताकि वो सेंसिटिव डेटा को स्टोर कर सके ऑन प्रेमाइसेस एंड एक्सेस इट थ्रू ऐप होस्टेड इन द पब्लिक क्लाउड. तो जब प्राइवेट और पब्लिक जुड़ जाता है तो उसे हम लोग हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं. देखिए मैंने क्लास में इसीलिए सबसे पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये समझाया, फिर हम लोग प्राइवेट क्लाउड में पब्लिक क्लाउड समझे और फिर हाइब्रिड क्लाउड में घुसे, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक जब दोनों जुड़ गया तो वो हाइब्रिड क्लाउड है. तो करेक्ट आंसर इज बी. और यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा. देखिए, इट इज द हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर जो एनेबल्स करता है बिजनेसेस को ताकि वो सेंसिटिव डेटा को स्टोर कर सके एंड एक्सेस इट थ्रू ऐप होस्टेड इन द पब्लिक क्लाउड. तो प्राइवेट प्लस पब्लिक बिकम्स माय हाइब्रिड क्लाउड. अगर आप मॉड्यूल अच्छी तरीके से पढ़कर गए होंगे ना तो सारे के सारे सवाल एकदम बच्चों जैसे लगेंगे आपको. सिलेक्टिव स्टडी किया होगा तो अलग बात. तो देखिए, तीन एमसीक्यू थे, 30 सेकेंड के अंदर ये तीनों के तीनों सॉल्व हो जाते. तो यू हैव इन्वेस्टेड 30 सेकेंड, यू गॉट 6 मार्क्स और ये गारंटेड 6 मार्क्स है. इसमें कोई भी 19-20 नहीं होने वाला है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, डिफाइन कीजिए प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को और एक्सप्लेन कीजिए कैसे काम करता है. तो हम जानते हैं चार टाइप के एनालिटिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक्स, प्रेडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव. आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को डिफाइन कीजिए और यह कैसे काम करता है, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए. देखो, This approach is the fourth, final and most sophisticated step of business analysis process. It goes one step further than descriptive and predictive analysis. This is the most sophisticated step of business analysis process. लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग सेम होता है. जी नहीं, यहां पे आप हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हो, बट मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था, आप एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना रहे, लेकिन केवल और केवल एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने से बात हो जाएगा क्या पूरा का पूरा? जी नहीं, उसे आपको पढ़ाना भी तो पड़ेगा, टीच भी तो करना पड़ेगा. तो यूज वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, जैसे कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. तो ये काफी सारे एल्गोरिदम्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया और इसे ही हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग. तो ये आपको पूरा का पूरा लिखकर आना था. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8A. अब ये क्या बोल रहा है,
कि डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको काफी सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। एक्सप्लेन कीजिए द स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर 6 स्टेप्स थे और मैंने क्लास में आपको याद भी करवाया ये। देखिए, टू मेक डेटा टर्न इनटू यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन इट शुड गो थ्रू 6 कोर स्टेप। पहले तो आप डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हो, प्रोसेस करते हो, देन इंटीग्रेशन करके डेटा को रिपोर्ट करो और फाइनली आप डेटा को यूटिलाइज कर लो। तो ये 6 स्टेप्स आपको लिखकर आने थे। पहला क्या था? डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजिंग, देन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रिपोर्टिंग एंड डेटा यूटिलाइजेशन। अच्छा, आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखकर आओगे तो क्या आपको 7 out of 7 मिल जाएगा क्या? नहीं। ये हेडिंग लिखोगे साथ ही साथ अंदर में जो भी कीवर्ड मैंने मार्क कर दिए हैं ये भी लिखकर आने से आपको फुल 7 on 7 मिलता। तो ये भी बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नाउ, डेटा एनालिटिक्स इज अ साइंस ऑफ इवैल्यूएटिंग अनप्रोसेस्ड डेटा सेट्स टू गेट सम कंक्लूजंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्या पूछा जा रहा है? डेटा एनालिटिक्स के स्टेप्स बताइए। तो यहां पर 5 स्टेप्स थे। क्या क्या? देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेप फॉर डेटा एनालिटिक्स। पहले तो आप डेटा को ग्रुप कर दो, देन डेटा को कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो। अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसमें 100% कोई एरर होगा तो उन्हें आपको क्लीन करना पड़ेगा। एंड नाउ आप एनालिसिस का काम करो, एडॉप्ट द राइट टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। और हम जानते हैं इसके 4 टाइप होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो बस यही एग्जाम में लिखकर आना था आपको। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पेपर में आपको एग्जेम्पशन स्कोर करना है इजीली, तो ये डेटा एनालिटिक्स पोर्शन में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये थ्योरी है, नहीं मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी से कर लूंगा और डेटा एनालिटिक्स ऊपर ऊपर देख लूंगा, वहां हो जाएगा मैनेज, ये नहीं होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ध्यान दे रहे हो, डेटा एनालिटिक्स में भी उतना ही फोकस, उतना ही अटेंशन दो, तो एग्जेम्पशन एकदम गारंटीड हो जाएगा। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एकदम इजी है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़कर जाएगा तो सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। तो यही हमारा आज का पेपर डिस्कशन हो गया समाप्त। थैंक यू।